हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन खलिये की रेसिपी। इसे अक्सर घर में कम बनाया जाता है, इसे सिर्फ शादियों में या फिर दावतों में ही बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। मटन खलिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो मटन लिया है, जिसको मैंने हल्दी और नमक डाल के अच्छी तरह से धो लिया है ताकि इसमें जो स्मेल होती है वो चली जाए। और इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तीन मीडियम से इसकी प्याज को इस तरह से कट कर लिया है और दो टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मटन खलिया बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से प्याज और टमाटर को डाल सकते हैं। अब हमें इसमें डालना है कुछ हरी सब्जियाँ जो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है ये है खट्टी भाजी, जिसको हम किसी भी ग्रेवी में डाल सकते हैं। और ये रहे थोड़े से मेथी के पत्ते, थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा पुदीना। इन सबको हमें अच्छी तरह से बारीक कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको बारीक कट कर लेते हैं। और दूसरी साइड यहाँ पे मैंने नारियल लिया है, आधा कच्चा नारियल लिया है और आधा सूखा नारियल लिया है। मतलब अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मटन खलिया बना रहे हैं तो अगर आपको एक नारियल की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आधा कच्चा नारियल लेना है और आधा सूखा नारियल लेना है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए अब हम मटन में सारे मसाले मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले हमें एक कुकर लेना है, उसमें डालेंगे हम मटन और जो प्याज और टमाटर कट करके रखा था वो भी हमें इसमें डाल देना है। इसके बाद हमें इसमें डालना है मसाले पाउडर। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और जो बारीक सब्जियों को कट करके रखा था वो हमें इसमें डाल देना है। और इन सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। हमें इसमें लाल मिर्च नहीं डालना है क्योंकि हमें इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब ऊपर से इसमें हमें थोड़ा सा तेल डाल के कैप लगा के इसको गैस पे रख देते हैं। तीन से चार सीटी आने के बाद हम इसको ऑफ कर देंगे। जब तक मटन अच्छी तरह से पक जाएगा तब तक हम नारियल के मसाले को रेडी कर लेंगे। और जब कुकर ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो सूखा नारियल रखा था उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने चार से पाँच हरी मिर्च लिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और जो हमने सूखा नारियल रखा था उसको हमें अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें इसमें तेल नहीं डालना है क्योंकि नारियल ही अपने आप में एक ऑयल होता है। अब देख सकते हो ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया, अब हमें इसे निकाल लेना है। इसी के साथ हमें हरी मिर्च को भी थोड़ा सा भून लेना है ताकि हरी मिर्च में जो कच्ची स्मेल होती है वो चली जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सूखा नारियल भूनने के बाद कितना क्रिस्पी बना है। अब हमें इसे बगैर पानी डाले इसका पाउडर बनाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सूखे नारियल का भी पाउडर बना लिया है और कच्चा नारियल और हरी मिर्च डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे दूसरी साइड हमारा कुकर ठंडा हो गया है। अब हम इसका कैप निकाल लेंगे और इसमें देख सकते हैं कि इसमें तेल भी रिलीज हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। उसके लिए हमें गैस को दोबारा से ऑन कर देना है और इसको थोड़ी देर पकाना है। अब जो हमने सूखे नारियल का पाउडर बना के रखा था वो भी हमें इसमें डाल देना है। हमें इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड करना है। और जो कच्चे नारियल का पेस्ट बना के रखा था वो भी हमें इसमें डाल देना है। अब इन सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। जब भी आप मटन खलिया बनाएंगे तो चावल में आप खुश्का ज़रूर बनाना, क्योंकि मटन खलिये का कॉम्बिनेशन खुश्की के साथ बहुत अच्छा होता है। और सारे मसाले मिक्स करने के बाद हमें इसे एक बार चख के देख लेना है कि नमक इसमें कम है या ज़्यादा। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी साइड हमें गोश्त को देखेंगे कि ये गला है या नहीं। अब हम कुकर का कैप लगा के दो सीटी और लेंगे ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। इसके लिए अब हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसका कैप लगा के दो सीटी लेंगे। दो सीटी आने के बाद कुकर ठंडा हो गया। अब आप देख सकते हो मटन खलिया हमारा बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। मुहर्रम की ईद आने वाली है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और अपने घर वालों को भी खुश कर देना। ये रेसिपी अक्सर घर में कम बनती है, सिर्फ शादियों में या दावतों में ही बनती है।
तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। इस तरह से सर्व करके दिखाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट में दिखने में अच्छा लगेगा, वरना तो हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, है ना। आप इस तरह से शादियों वाले मटन खलिये को घर पे बनाइए और खाने का लुत्फ उठाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगले आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।